नोटबंदी का असर धीरे धीरे बैंक कर्मियों पर दिखने लगा है। पटौदी के सिंडिकेट बैंक में नकदी न होने से रोषित ग्राहकों के गुस्से को देखकर बैंक कर्मियों ने बैंक को ताला लगा दिया और बाहर आउट ऑफ कैश का नोटिस चिपकाकर रफू चक्कर हो गए। कई ग्राहक बैंक खुलने के इंतजार में शाम तक वहां बैठे रहे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या पूर्व सैनिकों की थी, जो अपनी पेंशन मिलने के इंतजार में कई दिन से बैंक के चक्कर लगा रहे थे। यहाँ 9:30 बजे आया था, लेकिन बाद में बैंक मैनेजर को लोगों ने बुलाया, आपका बैंक क्यों नहीं खोल रहे, बोले ताला लगा दो। पुलिस वाला खड़ा था, औरतों की लाइन थे, कम से कम 300-400 आदमी वापस दे दे। भाई बैंक को तो खोल, ताला क्यों लगा दो, पब्लिक को समझाओ आप लोग, ये हमारे पास कैश नहीं, थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद आए, कभी भी तो आएगा। सुबह हम बैठे 6 बजे तक बैठे रहे, रोज का ये हाल है सिंडिकेट बैंक का। कैसे जमा करवाना था और जो बताओ, हमने अपनी पेंशन ली, इस बैंक में ज़्यादा है, बहुत के आदमी बहुत ज़्यादा है, आप पेंशन लेने वाले। फिर बैंक मैनेजर ना बात कर ना कैश लेने का, तुम बोलो हमारे से तो RBI बैंक से संपर्क है। अभी पूरे सैनिक है, पूरे सैनिक, अरे सारे पूरे सैनिक बैठे। फिर बताओ बच्चों के लिए दाल सब्जी, महीना पेंशन मिलती है, हम बढ़िया कहने, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा लोन है।